एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर श्री भसीन। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो इम्यूनोलॉजी में हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसी का कंटिन्यूशन है। ये है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीजन। ठीक है, यदि हम एंटीजन की बात करें तो एंटीजन क्या होता है, इम्यूनोजन क्या होता है, इसका डिफरेंस समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन, फिर टाइप्स ऑफ एंटीजन और फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीजन। ठीक है, तो एंटीजन जो होता है, सबसे पहले हम वो देखें कि वो क्या होता है। एंटीजन और इम्यूनोजिन और इम्यूनोजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी, एंटीबॉडी, ये आजकल के सबसे प्रचलित शब्द हैं, और इम्यून सिस्टम भी। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि एंटीजन किसको बोलते हैं। एंटीजन फॉरेन पार्टिकल होता है जो कि मोस्टली प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, यानी कि प्रायः ये प्रोटीन होता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है, या इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि एक फॉरेन पार्टिकल होता है जो कि एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी रखता हो। ठीक है, ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो कि एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी रखता हो उसको एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि ये बॉडी के अंदर ही बनी एंटीबॉडी हो, सॉरी, ये बॉडी में बाहर से सप्लाई करी हुई एंटीबॉडी भी हो सकती है। लेकिन ऐसा एंटीजन जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके उसे जगा के बॉडी में एंटीबॉडी बनवाने की क्षमता रखे, उस एंटीजन को क्या कहते हैं, इम्यूनोजन, है ना। तो इन दोनों शब्दों के बीच में अंतर है, ये नेट में स्लेट में कई बार क्वेश्चन आता है इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन जो होता है वो एक ऐसा फॉरेन पार्टिकल है जो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, यानी इम्यून रिस्पॉन्स का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, एंटीबॉडी, उसके साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन ऐसा एंटीजन जो कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनवाने की क्षमता रखे उसे क्या कहते हैं, इम्यूनोजिन, है ना। एंटीजन जो होता है वो सिर्फ किसी भी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर सकता है, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि बॉडी एंटीबॉडी बॉडी में ही बनी हो। लेकिन इम्यूनोजिन एक ऐसा एंटीजन है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके जगा के बॉडी में एंटीबॉडी बनवाएगा। तो ऐसा जो एंटीजन जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को धक्का दे के उसे जगा के बॉडी में एंटीबॉडी बनवा सके, ऐसा एंटीजन क्या कहलाता है, इम्यूनोजिन। अब जितने भी इम्यूनोजिन हैं वो सभी एंटीजन होंगे, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब तक बॉडी के लिए फॉरेन नहीं होगा, एंटीजन का मतलब है बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल, जब तक किसी भी पार्टिकल को बॉडी फॉरेन नहीं मानेगी तब तक उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स माउंट नहीं करेगी। तो जितने भी इम्यूनोजिन हैं वो सभी एंटीजन हैं, लेकिन जितने एंटीजन हैं वो इम्यूनोजिन हों ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी पहले बताया कि एंटीजन वो फॉरेन पार्टिकल है जो एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करता है, लेकिन उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि एंटीबॉडी बॉडी में बनी है या बॉडी में बाहर से सप्लाई करी है। पर इम्यूनोजिन वो एंटीजन है जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को जगा के बॉडी में एंटीबॉडी बनवा सकता है। यानी अब आपको क्लियर होगा कि जो वैक्सीनेशन में हमारी बॉडी में डाला जाता है वो एक्चुअली इम्यूनोजिन होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को धक्का देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को जगाता है और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनवा के स्टोर करके रखता है। और यहाँ दो और इम्पॉर्टेंट शब्द आपको समझा दूँ, एंटीजिनिसिटी और इम्यूनोजिनिसिटी। किसी भी एंटीजिन की जो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करने की, एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं एंटीजिनिसिटी। और किसी भी इम्यूनोजिन की बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनवाने की क्षमता होती है उसे कहते हैं इम्यूनोजिनिसिटी, है ना। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एंटीजिन और इम्यूनोजिन का अंतर समझ में आ गया तो आपको एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी के बीच का अंतर भी समझ में आ जाएगा। एंटीजन यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर सकता है, और इम्यूनोजिन यानी कि वो एंटीजन जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनवा सकता है। ठीक है, और एंटीजेनिसिटी यानी कि बॉडी की एंटीबॉडी से रिएक्ट करने की क्षमता, और इम्यूनोजेनिसिटी यानी बॉडी की इम्यूनोजिन की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनवाने की जो क्षमता होती है वो इम्यूनोजिनिसिटी कहलाती है, क्योंकि इम्यूनोजिन वो एंटीजन है जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनवा सकता है। ठीक है, अब यहाँ एक शब्द, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें एंटीजन की,
तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्रायः जितने भी एंटीजन होते हैं वो सब प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। मोस्टली ऑल एंटीजन्स आर प्रोटीन्स, और कुछ इसमें से पेप्टाइड भी हो सकते हैं, पॉलीसेक्राइड भी हो सकते हैं, है ना। इसमें कुछ में कैप्सूल, सेल वॉल, फ्लैजिला, फिमरिली या बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, ये भी एंटीजन की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस नेचर का है एंटीजन, लेकिन मोस्टली दे आर प्रोटीन्स। ठीक है, और एंटीजन की यदि स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एसएस तो प्रोटीन है, तो उसका प्रोटीन जैसे ही स्ट्रक्चर होगा। लेकिन एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट समझने लायक टर्मिनोलॉजी आती है, वो है एपिटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। देखिए, अगर आप इम्यूनोलॉजी बेसिक से शुरू से सारे वीडियो देख रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनना इम्यून रिस्पॉन्स के जनरेशन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। जब एंटीजन मतलब पूरा मैंने आपको जो रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन पढ़ाया था उसमें बताया था कि कैसे टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होते हैं, वो कैसे बी सेल को एक्टिवेट करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए, और किस प्रकार से बी सेल एंटीबॉडी बनाता है। अल्टीमेटली जब बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है तो इस एंटीबॉडी का काम होता है कि वो जाके एंटीजन से कॉम्प्लेक्स बनाए और एंटीजन को बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दे, है ना। तो एंटीबॉडी एंटीजन की जिस जगह पर, जिस साइट पर, जिस लोकेशन पर जाकर उससे जुड़ती है, ध्यान से सुनिए, एंटीबॉडी एंटीजन की जिस लोकेशन पे, जिस साइट पे जाकर उससे अटैच होती है, उस साइट को कहते हैं एपिटोप या फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। मतलब एंटीजन की वो जगह जहां आकर एंटीबॉडी उससे बाइंड करेगी उसे कहेंगे एपिटोप या फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। और ये भी ध्यान रखिएगा कि एंटीबॉडी का एफएबी पोर्शन, ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, एंटीबॉडी का एफएबी पोर्शन एंटीजन से बाइंड करता है, और जो एफसी पोर्शन होता है एंटीबॉडी का, वो नॉन बाइंडिंग पोर्शन है। ठीक है, एंटीबॉडी के दो पोर्शन होते हैं, आप इम्यूनोग्लोबिन के वीडियो को देखेंगे मेरे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि उसका एफएबी पोर्शन होता है और उसका एफसी पोर्शन होता है। तो एफएबी पोर्शन एंटीबॉडी का वो पोर्शन है जो एंटीजन से बाइंड करता है, और एफसी पोर्शन जो होता है उसका वो नॉन बाइंडिंग पोर्शन होता है, है ना। और एंटीजन की वो जगह जहां आके एंटीबॉडी उससे बाइंड करती है उसे कहते हैं एपिटोप या फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम बात करें कि एंटीजन, बाकी एंटीजन के स्ट्रक्चर में कुछ विशेष नहीं है, इम्पॉर्टेंट है उसके टाइप के, एंटीजन कितने टाइप के होते हैं। तो ब्रॉडली एंटीजन दो प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्सोजीनियस एंटीजन्स और एंडोजीनियस एंटीजन्स। जो एक्सोजीनियस एंटीजन्स होते हैं वो बॉडी में जो बाहर से एंटीजन प्रवेश करते हैं उनको कहते हैं एक्सोजीनियस एंटीजन। जैसे कोई माइक्रोब आपकी बॉडी में प्रवेश किया, कोई पोलन ग्रेन किया, कोई ड्रग किया, पॉल्यूटेंट किया, जो आपकी बॉडी के लिए एंटीजेनिक है यानी आपकी बॉडी में फॉरेन रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो उसको कहेंगे एक्सोजीनियस एंटीजन। ठीक है, लेकिन एंडोजीनियस एंटीजन कौन से होते हैं? एंडोजीनियस एंटीजन्स वो होते हैं जो बॉडी में ही पाए जाते हैं या बॉडी की परिस्थिति बदलने पर एंटीजेनिक कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे एंटीजेंस कहलाएंगे एंडोजीनियस एंटीजेंस। ठीक है, अब ये एक्सोजीनियस एंटीजेंस में तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे टाइफाइड का एंटीजन और कोरोना का एंटीजन हुआ, इन्फ्लुएंजा का एंटीजन हुआ, ये सब एक्सोजीनियस है जो बाहर से बॉडी में प्रवेश कर रहे हैं। और एंडोजीनियस एंटीजन यानी बॉडी में उपस्थित एंटीजन अथवा बॉडी में उपस्थित ऐसे कंपोनेंट जो कि एंटीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो एंडोजीनियस एंटीजन की कैटेगरी में आते हैं, विच आर अगेन डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज, जेनोजेनिक एंटीजन, ऑटोलॉगस एंटीजन एंड एलेरोजेनिक एंटीजेंस। तो सबसे पहले हम बात करें जेनोजेनिक एंटीजन की, तो जेनोजेनिक एंटीजन दे आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस एंड कैन इजिली बिकम सोर्स ऑफ क्लंपिंग व्हेन एंटीबॉडीज बाइंड टू देम। एक्चुअली जेनोजेनिक एंटीजेंस जो होते हैं ये वो एंटीजेंस होते हैं जो कि हमारे आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजेंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप, आपको सबको पता होगा कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो आर दे आर दी एंटीजेंस कोटेड ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी, हमारी आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजेंस। जैसे कहते हैं ना ए ब्लड ग्रुप है तो आपके ब्लड में एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, और बी ब्लड ग्रुप है तो आपके ब्लड में एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है। तो ये जो एंटीजन ए बी है ये कहाँ पाया जाता है? ये आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। ठीक है, तो आरबीसी की सतह पे पाए जाने वाले ये जो एंटीजन है ये जेनोजेनिक एंटीजेंस कहलाते हैं।
ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि ए वाले का ब्लड ब्लड जो है वो बी ब्लड ग्रुप को नहीं दिया जा सकता, बी का बी ब्लड ग्रुप वाले का ए को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सेम ब्लड में कभी भी एक ही एंटीजन और एक ही एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते। अगर एंटीजन ए रहेगा तो उसके साथ एंटीबॉडी ए नहीं रहेगी, वो आरबीसी की क्लंपिंग होने लगेगी, आरबीसी के ऊपर एग्लूटिनेशन या क्लंपिंग होने लगेगा, ठीक है। तो ज़ेनोजेनिक एंटीजन जो मैं समझा रही थी, ज़ेनोजेनिक एंटीजन वो एंटीजन है जो हमारी आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन है, उन्हें ज़ेनोजेनिक एंटीजन कहते हैं। सेकेंड कैटेगरी आती है ऑटोलॉगस एंटीजन की, दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ होस्ट एंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज सेल कंपोनेंट, दे आर नॉन इम्यूनोजेनिक इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस बट चेंज इन बॉडी कंपोनेंट कैन मेक देम इम्यूनोजेनिक, देन होस्ट टेंड्स टू माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट्स ओन टिश्यू। एक्चुअली ये क्या है, ये अपनी ही बॉडी के ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में नॉन इम्यूनोजेनिक या नॉन एंटीजेनिक, या नॉन इम्यूनोजेनिक ज़्यादा सही तरीके से कहें तो नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ मिलने पर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब इम्यूनोजेनिक रूप ले लेते हैं, यानी कि अपनी ही बॉडी के खिलाफ एंटीजेनिक बिहेव करने लगते हैं, अपनी बॉडी के लिए फॉरेन बन जाते हैं और बॉडी में आने वाले कुछ परिवर्तन इनको फॉरेन बनने पे मजबूर करते हैं और बॉडी इनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स माउंट कर लेती है, ठीक है। तो ऐसे एंटीजन जो स्वयं बॉडी का ही पार्ट थे लेकिन परिस्थितियों में बदलाव आने के कारण वो इम्यूनोजेनिक बन गए और बॉडी ने उनको फॉरेन मान लिया और उनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करना शुरू कर दिया, वो ऐसे एंटीजेंस कहलाते हैं ऑटोलोगस एंटीजेंस, ठीक है। देन नेक्स्ट कैटेगरी है एलर्जेनिक एंटीजेंस की, एलर्जेनिक एंटीजन ये भी सेल्फ कंपोनेंट होते हैं इंडिविजुअल बॉडी खुद की बॉडी के, जो कि इम्यूनोजेनिक बन जाते हैं अगेंस्ट बॉडी में चेंजेस होने के कारण, है ना। और इम्यूनोलॉजिकल अटैक जो है ये खुद ही पर, एक्चुअली ये ज़्यादा सही मायने में कहें तो ये एलर्जी क्रिएट करने वाले, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने वाले एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, जो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करेंगे। एलर्जिक रिएक्शंस बहुत बड़ा ओवर इम्यून रिस्पॉन्स होता है, आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो हाइपर सेंसिटिविटी नाम से एक पूरा वीडियो आपको चार पार्ट्स में मिलेगा, हाइपर सेंसिटिविटी यही है ओवर इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर ओवर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर देते हैं, ऐसे एंटीजेंस जो हैं वो एलर्जेनिक एंटीजेंस कहलाते हैं, है ना। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो आती है वो आती है प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजन, एंटीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एंटीजन की प्रॉपर्टीज़ को हम मेजरली दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है उसकी जनरल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है उसकी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ये एलर्जेनिक एंटीजन शायद थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, आप ध्यान रखिएगा लिखते समय कि वो एंटीजेंस जो कि एलर्जिक रिएक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हों या एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं उनको कहते हैं एलर्जेनिक एंटीजेंस, ठीक है। और एंटीजन की प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो एंटीजन की प्रॉपर्टीज दो में डिवाइड की जा सकती हैं, जनरल प्रॉपर्टी और इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी, है ना। जनरल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, एक आ जाएगी फॉरेननेस। देखिए कोई भी पार्टिकल यदि बॉडी में फॉरेन नहीं माना जाएगा, बाहरी नहीं माना जाएगा, तो आपकी बॉडी उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करेगी, क्योंकि यदि वो सेल्फ ही कंपोनेंट को फॉरेन मान के इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। तो नॉर्मल परिस्थिति में किसी भी पार्टिकल के खिलाफ, किसी भी कंपोनेंट के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स तभी माउंट होता है जब आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को फॉरेन यानी कि बाहरी रिकॉग्नाइज करे। तो जब तक कोई एंटीजन बाहरी नहीं होगा किसी बॉडी के लिए तब तक बॉडी उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स माउंट नहीं करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूलर साइज, एंटीजन का जो साइज़ है वो एक अप्रोप्रिएट साइज़ होना चाहिए, 10,000 डाल्टन से बड़ा एंटीजन है तो भी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स माउंट नहीं होगा, और अगर बहुत छोटा है तो भी वो इतना सक्षम नहीं होगा कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को जगा सके। तो जो एंटीजन का साइज़ है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स माउंट हो सके और वो बॉडी के टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करने में सक्षम हो। देन कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्सिटी और कन्फर्मेशन। जो एंटीजन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जितना कॉम्प्लेक्स एंटीजन हो उतना अच्छा वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इसी प्रकार से चार्ज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे किसी एंटीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो या न्यूट्रल चार्ज हो, हर परिस्थिति में वो एंटीजन इम्यूनोजेनिक हो सकता है। बस उसमें एंटीबॉडी मतलब बनवाने की क्षमता हो या एंटीबॉडी से कंबाइन करने की क्षमता हो, तो चार्ज इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं होता। किसी भी चार्ज का एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी बनवाने में या एंटीबॉडी से रिएक्ट करने में सक्षम होता है। देन असेसिबिलिटी रेफर्स टू fact that antigen is basically a protein consisting of sequence of amino acid and sequence of amino acid is changed then the entire protein is changed. Thus the antibody production against antigen is also changed. Accessibility actually kya hai? कि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एंटीजन एक प्रोटीन है और प्रोटीन में जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है यदि उसमें बदलाव आता है तो पूरे के पूरे प्रोटीन के अंदर क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है ना। और एक प्रोटीन के खिलाफ बनी जो एंटीबॉडी है वो दूसरे प्रोटीन के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। यानी कि अगर ए प्रोटीन है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी ए काम करेगी और बी प्रोटीन है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बी काम करेगी। तो एंटीजन में भी असेसिबिलिटी होती है। यदि एंटीजन का मतलब ए प्रोटीन है उसके अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस 1 2 3 4 है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी A1 तो वो इसी ए एंटीजन के खिलाफ ही काम करेगी। फिर अगर ये 1 2 3 4 अमीनो एसिड का सीक्वेंस होके 4 3 2 1 हो गया तो एक नए प्रोटीन का जन्म हो जाएगा बी प्रोटीन का और उसके अगेंस्ट एक अलग एंटीबॉडी बनेगी B1। ये B1 एंटीबॉडी ए एंटीजन से नहीं फाइट कर पाएगी। ये इम्यूनोलॉजी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है कि जिस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है वो उसी एंटीजन से फाइट करेगी, दूसरे से फाइट नहीं करेगी। तो कहने का अर्थ ये कि हर एंटीजन में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा भी बदलाव आ गया, प्रोटीन का सीक्वेंस थोड़ा भी चेंज हो गया, तो वो उसके खिलाफ बनी एंटीबॉडी उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करेगी और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। देन नेक्स्ट आती है इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आती है इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार कोई भी अगर एंटीजन है तो उस एंटीजन की एंटीबॉडी से रिएक्ट करने की जो पावर होती है वो एंटीजेनिसिटी कहलाती है। एंटीजन को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एंटीबॉडी बॉडी में बनी एंटीबॉडी है या बॉडी में बाहर से सप्लाई करी हुई एंटीबॉडी। एंटीजन तो केवल एंटीबॉडी से रिएक्ट करना जानता है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाना जानता है। तो एंटीजन से की एंटीबॉडी से कंबाइंड करने की, एंटीजन की एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की जो क्षमता है वो एंटीजेनिसिटी कहलाती है। और इम्यूनोजेनिसिटी क्या है? इम्यूनोजिन की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनवाने की जो क्षमता है, यानी कि किस कैपेसिटी से, किस क्षमता से कोई इम्यूनोजिन बॉडी के इम्यून सिस्टम को जगा सकता है और बॉडी में एंटीबॉडी बनवा सकता है। इम्यूनोजिन की जो बॉडी में एंटीबॉडी बनवाने की क्षमता है वो क्या कहलाती है? इम्यूनोजेनिसिटी कहलाती है। एलर्जेनिसिटी क्या है? एंटीजन की एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट करने की जो क्षमता है, जो एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट करने की एलर्जिन की क्षमता है उसको एलर्जेनिसिटी कहा जाता है। और टॉलरोजेनिसिटी क्या है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है एंटीजन की। जैसे कि कहा जाता है कि किसी बच्चे को अगर कोई स्टूडेंट है वो नॉटी है, आप उसको बार बार डांटते हो, तो कहा जाता है ना कि किसी को भी ज़्यादा मत डांटो, ज़्यादा डांटने से वो ढीठ बन जाता है। वही चीज़ यहाँ पर होती है। किसी की भी बॉडी में अगर आप ग्रेडेड डोजेज में एंटीजन दो या ऐसे एंटीजन दो छोटी छोटी मात्रा में, तो उसकी बॉडी उस एंटीजन के लिए क्या हो जाती है? इम्यून हो जाती है। और एक स्टेज ऐसी आती है जब वो एंटीजन बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को नहीं जगा पाएगा और बॉडी उस एंटीजन के लिए क्या हो जाएगी? टॉलरेंट हो जाएगी। तो बॉडी की जो एंटीजन को झेलने के, टॉलरेट करने की जो क्षमता होती है दैट इज नोन एज टॉलरोजेनिसिटी, है ना। ये जो टॉलरेशन पावर होती है बॉडी की, एंटीजन को टॉलरेट करने की जो क्षमता होती है दैट इज नोन एज टॉलरोजेनिसिटी, ठीक है। देन रूट डोज ऑफ
एंटीजन एडमिनिस्ट्रेशन है ना। अब ये क्या है कि किस तरह से और कितनी मात्रा में एंटीजन दिया जा रहा है वो भी क्या कहलाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एंटीजन की। अगर ज़्यादा डोज दी जाएगी तो भी हो सकता है कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना, और बहुत कम दी जाएगी तो भी नहीं होगा। तो ऑप्टिमम डोज देना चाहिए एंटीजन का, और ऑप्टिमम तरीके से भी होनी चाहिए। जैसे वैक्सीन में भी क्या करना है, एंटीजन ही इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब एंटीजन से भी ज़्यादा इम्यूनोजिन ही डाइल्यूट करके इंसर्ट करते हैं बॉडी में, तो वो इंट्रावेनसली दे रहे हैं, ओरल रूट से दे रहे हैं, कि कैसे इंजेक्ट कर रहे हैं, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितनी मात्रा में कोई एंटीजन बॉडी में दिया जाता है वो भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, तो ये याद रखना है कि एंटीजन एक फॉरेन पार्टिकल होता है। फॉरेन पार्टिकल मैं बार बार कह रही हूँ, ये फॉरेन नेचर एंटीजन की बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई पार्टिकल फॉरेन नहीं होगा तब तक बॉडी उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स माउंट नहीं करेगी। तो एंटीजन एक ऐसा फॉरेन पार्टिकल है जो कि एंटीबॉडी के साथ कंबाइंड करने की, कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, या तो एंटीजन्स एंडोजीनियस हो सकते हैं यानी कि बॉडी से ही अराइज्ड हुए हो सकते हैं, या फिर बॉडी में बाहर से एंटर किए हुए हो सकते हैं, है ना। एंटीजन की जनरल प्रॉपर्टीज जैसे कि उसकी फॉरेननेस, फॉरेन होना उसका, उसका प्रॉपर साइज, उसका कंफर्मेशन, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसका चार्ज, उसकी असेसिबिलिटी, ये सब आवश्यक हैं उसे इम्यूनोजिन बनाने के लिए, यानी उसे ऐसा रूप देने के लिए जिससे कि वो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनवा सके। और इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं एंटीजन की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर कोई एंटीजन इम्यूनोजिन तभी बन सकता है जब उसमें एंटीबॉडी बॉडी में बनवाने की क्षमता हो, यानी कि उसमें इम्यूनोजेनिसिटी हो, और उसमें एंटीजेनिसिटी भी होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ एंटीबॉडी बनवाना भर सक्षम नहीं है, उसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी ये है कि एंटीबॉडी बनवाए और उस एंटीबॉडी के साथ कंबाइन भी होने की क्षमता रखे ताकि एंटीबॉडी उसे एलिमिनेट कर सके। एलर्जेनिसिटी इंड्यूस करने की इम्यूनोलॉजिकल कैपेसिटी एंटीजन में होती है बहुत सालों में, कि वो एलर्जिक रिएक्शन इंड्यूस कर सकते हैं। टॉलरोजेनिसिटी एंटीजेंस में होती है, मतलब कि अगर बहुत ग्रेडेड डोजेज में आपको बार बार एक ही एंटीजन दिया जाएगा तो आपकी बॉडी उस एंटीजन के लिए टॉलरेंट हो जाएगी और फिर उसके खिलाफ कोई भी रिस्पॉन्स माउंट नहीं करेगी। ये टॉलरोजेनिसिटी का आपने देखा होगा, पुराने आप माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखिए उसमें दिखाते हैं कि पुराने ज़माने के जो राजा होते थे उनके गुरु उनको थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर खाने में देते थे। वो जहर इतनी मात्रा में दिया जाता था कि उस राजा को नुकसान भी नहीं पहुंचे और राजा का जो शरीर है वो जहर को सहने के लिए डेवलप हो जाए, क्योंकि राजा के दुश्मन बहुत होते थे तो कोई कैसे मारने की तरीके कोशिश कर रहा, कोई कैसे कर रहा, तो इसलिए ये मैंने किसी सीरियल में देखा था, चंद्रगुप्त में देखा था शायद, कि उसमें चाणक्य उन्हें हमेशा थोड़ा थोड़ा जहर खाने में मिलाकर देते थे ताकि उनकी बॉडी जहर के लिए इम्यून हो जाए। उसका कंसेप्ट यही है, टॉलरोजेनिसिटी उसी से रिलेटेड है, कि कोई भी एंटीजन यदि हम ऐसे इंड्यूस करें थोड़े थोड़े ग्रेडेड फॉर्म में तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करना बंद कर देगी। ये प्रॉपर्टी टॉलरोजेनिसिटी कहलाती है। ओके, तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर एंटीजन का। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।